ध्वनि पढ़ ले बेटा, देख एग्जाम है कल, कुछ भी तेरे को, मेरे को लग रहा है कुछ भी तेरा कंप्लीट नहीं है। व्हाट टाइम इज इट, चलो टाइम बताओ ये कितना हो रहा है। नहीं पता, 8 और 9 के बीच में है, देखो क्या होगा, 4:40 तो यहाँ तक हो गया, 45, 46 मतलब ध्वनि कैसे पास होगी भैया, मेरे को तो टेंशन हो रही है। और तू भी ना जिन्नी की तरह पढ़ रही है, देख जिन्नी दीदी कितना मन लगा के पढ़ती है सारा दिन, और देखो कितने अच्छे नंबर लेके पास होती है। आप भी तो अच्छे नंबरों से पास हो ना, अच्छे से पढ़ाई करो ना, चलो जल्दी से मेरे को कम्प्लीट करके दिखाओ। जैसे ये देखो 9 पे है, 9, 5 और 10 कितना हो गया, 9, 10 हुआ नहीं हुआ, है ना। अब ये 3 और 2 के बीच में है, तो कितना हुआ, 3 नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट 3 पे नहीं है, तो 2:45। ओके चलो समझो और जल्दी से मुझे कंप्लीट करके दिखाओ एक्सरसाइज, जल्दी से करो। मैं यहाँ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ छोड़, तुम्हें को टाइम लिख के दिखा यहाँ पे। हाँ लिखो, कैसे लिखोगे। हाँ ये क्या है, क्या हो गया मम्मी, आज हम इतने गुस्से में कैसे हो, क्या हो गया, ध्वनि ने फिर से पढ़ाई नहीं करी। ध्वनि की तू छोड़, ध्वनि को तो मैं अपने आप देख लूंगी, पहले ये बता तू मोबाइल में क्यों घुसी हुई है, तेरे कल से पेपर है, तुझे भी तो पढ़ने की जरूरत है। ना मम्मी, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको तो पता ही है मेरे पास मेरा लकी पेन जो है, उससे जो भी लिखती हूँ ना मेरा रॉन्ग आंसर भी करेक्ट हो जाता है, और जो भी एग्जाम देकर आती हूँ उसमें फुल मार्क्स ही आते हैं। लेकिन जिनी बेटा बिना पढ़े तो ये पेन भी कुछ नहीं लिख पाएगा। अरे मम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हो, आपको पता है ना आपकी बेटी क्लास की टॉपर है और इस बार भी टॉप ही करेगी इस पेन से। मम्मा मुझे भी लकी पेन ला के दो ना, मुझे भी उससे काम करना है, फिर मुझे भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ध्वनि बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप 3rd में हो ना, जब आप 4th में आओगे तब आपके पेन स्टार्ट होंगे, तब मैं आपको एक लक्की पेन ला के दूंगी, अभी लेकिन आपके पास लक्की पेन ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जाओ जल्दी से जाके हिंदी की पोयम लर्न करो आप ऊपर, मैं थोड़ी देर में सुनूंगी। ओके ठीक है। बेचारी ध्वनि, उसके पास तो लक्की पेन ही नहीं है, क्या करके आएगी एग्जाम में तू, मैं तो लक्की पेन से टॉप करूंगी टॉप। जिनी ये क्या हरकत थी बेटा, आपने बिचारी बच्ची को रुला दिया, ऐसे करते हैं। चलो कोई नहीं, अब जाओ और आप भी पढ़ाई करो। चलो मम्मी मैं तो अभी जा रही हूँ रिया के घर, देखकर आती हूँ कितनी तैयारी हुई, उसके पास तो लकी पेन ही नहीं है, देख के आती हूँ जरा। जिनी जिनी फ्रेंड, जैसा कि जिनी अपने पेन को लक्की पेन समझती है और कॉन्फिडेंट ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है उसको लेके कि गलत का भी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो चलो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हुई ना तो मैं तेरे को लक्की पेन दिला दूंगा, क्योंकि तू 3rd से 4th में आ जाएगी तो तेरे पेन लग जाएंगे और मैं तेरे को लक्की पेन दिला दूंगा। आप तो बहुत बड़े झूठे हो, झूठे, आपने मुझे सेकंड क्लास में दिखा था, जब तू 3rd में आ जाएगी ना और अच्छे नंबर लाएगी तो मैं तुझे निंटेंडो दूंगा, निंटेंडो। काहे मेरा निंटेंडो खाओ मम्मी कसम। वो ध्वनि जो तेरा निंटेंडो था ना, वो असल में निंटेंडो की कंपनी इंडिया में है ही नहीं, तो मैं US गया भी नहीं उसके बाद,
तो मैं सोच रहा हूँ जब मैं 10-12 साल बाद यूएस जाऊंगा तो तेरी निंटेंडो ले आऊंगा, तो फिकर क्यों करती है? नहीं पापा, आपको मुझे लकी पेन दिलाना ही पड़ेगा। आपको इस बार मम्मी की कसम खानी पड़ेगी। मम्मी की कसम? हाँ। जरूरी है क्या? हाँ पापा। ठीक है, मम्मी की कसम अगर तेरे अच्छे नंबर आए तो मैं तेरे को लकी पेन दिला दूंगा। अरे नहीं पापा, अपनी मम्मी की नहीं, मेरी मम्मी की। तेरी मम्मी की? वो तो मैं जम मर्जी खा लूं, तेरी मम्मी की कसम। थैंक यू पापा। पता नहीं ये जिन्नी भी रिया के घर क्या करने गई है, कोई नया टांडर ना मचा दे, मेरे से तो काम भी नहीं हो रहा। अब कौन आ गया? अरे शर्मा जी आप, और जिनी तू? भाभी जी आप पुनीत को बुलाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे भैया आप शांत तो हो, अंदर तो आओ, मैं इन्हें भी बुलाती हूँ। और जिनी की बच्ची क्या नया ड्रामा मचा कर आई है, आओ भी आओ आओ। अरे क्या हो गया इश्ना, तो सर पे तुमने पहाड़ उठा रखा है? सुन भाई। क्या सुनूं भाई, फिर से फ्री की चाय लपेटने आ गया? अपने घर में तो मिलती नहीं होगी तुझे। चाय पीने नहीं, तुझे समझाने आया हूँ। मुझे समझाने आया है? मतलब तो तुझे अभी बताता हूँ, जरा अपनी बेटी जिन्नी को समझा। अभी ना मेरे घर गई थी और मेरी बेटी रिया को बहुत चिढ़ा कर आई है। ये रिया अपनी स्टडी कर रही थी और उससे बोल कर आई है, तू चाहे जितना मर्जी पढ़ ले पर होगी तू तेली, और मैं बिना पढ़े टॉप करूंगी क्योंकि मेरे पास लकी पेन है। अरे शर्मा तू भी छोड़ना, बच्ची है, जाने देना तू भी यार, बच्चों के बीच में मत पढ़ा कर बिल्कुल भी। बच्ची तो ठीक है, अरे तेरी बच्ची मेरी बच्ची को क्यों बिगाड़ रही है? अरे शर्मा ये तो बच्चों की बात है, बच्चों पे छोड़ दे। तू ये बता चाय पिएगा या कॉफी? बात तो तू सही कह रहा है। भाभी जी आप एक काम करो, एक कप कॉफी और साथ में थोड़ी सी काजू भी कतली ले आना। ठीक है भैया मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। सुन जिनी बेटा। क्या हो मम्मी, आप कॉफी नहीं बना रही? बेटा कॉफी तो मैं बना लूंगी और बनाती ही रहूंगी, लेकिन जो इस पैन को लेके आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ना, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमेशा किस्मत के साथ मेहनत करनी पड़ती है। अरे मम्मी आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, आपको तो पता ही है कि हर साल मैं टॉप करती हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा टॉप करने का रीजन सिर्फ ये पेन, ये लकी पेन है, लकी पेन है। ओके जिनी बेटा, ऑल द बेस्ट विद योर लकी पेन। मैं ना मन लगा के पढ़ूंगी ताकि थर्ड में मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, और फिर फोर्थ में पापा मुझे लकी पेन दिला दे। दीदी तो ऑलरेडी लकी है, उनके पास लकी पेन है। पढ़ पढ़ ध्वनि, खूब मन लगा के पढ़, पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाएगी लेकिन कभी मुझको बीट नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरे पास है ये लकी पेन। दीदी दीदी मैं इसलिए मन लगा के पढ़ रही हूँ ताकि अगले सेशन में मुझे भी लकी पेन मिल जाए। जब तेरे पास लकी पेन नहीं है तो नंबर कहाँ से लाएगी, पढ़ ले तू। मैंने यहाँ पे जीरो बना दिया। रुकियो जरा दिखाइयो। अच्छा जी तो मैं यहाँ क्रॉस बना देती हूँ। अच्छा जी इस बार मैं तो तेरे को हरा के रहूंगी।
यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हो। मैंने यहाँ बना दिया, अब बोलो। अच्छा, अब यहाँ बनाने की कोशिश कर रही है। ले, मैंने यहाँ बना दिया। मैंने तो यहाँ बना दिया। ये देखो, मैं जीत गई। अब चलो फिर से खेलते हैं। मैंने फिर से बीच में बना दिया। ले, मैं यहाँ बना देती हूँ। ये लो दीदी, मैं फिर से जीत गई। ये भी मैं सारे गेम्स में जीत गई। दीदी को हरा के दादा ना हवा में मत उड़, क्योंकि यहाँ पे ना मैं अपना लकी पेन यूज नहीं कर रही। मैं जो अपना लकी पेन है ना, वो इन सब छोटी मोटी चीजों पे ना बर्बाद नहीं करती। एग्जाम में तो मैं इस लकी पेन से पेपर करके आऊंगी, तो मैं ही जीतूंगी। एग्जाम में तो मैं ही टॉप करूंगी पूरे स्कूल में। जी भी हेलो। हाँ ज्योति बोल, क्या हालचाल? मैं ठीक हूँ। पहले तो तुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों यार? धोनी ने टॉप किया है पूरी क्लास में। अभी अभी रिजल्ट अपलोड हुआ है। अच्छा चल, थैंक यू यार। मैं ना अभी चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ। अरे जिनी, धोनी का रिजल्ट आ गया है तो तेरा भी आ गया होगा। जा जल्दी से लैपटॉप लेकर आ, मैं दोनों का चेक करती हूँ। जाइयो जरा। मैं ले गया। जल्दी जा। लाओ जी, लैपटॉप लाओ। अच्छा ध्वनि, अपना जरा स्कॉलर नंबर तो बताओ। 90124। 90124। ओके। ओ वाओ ध्वनि, वेरी नाइस। 98 हिंदी में, इंग्लिश में 99, ईवीएस में 98, कंप्यूटर में 100, मैथ्स में 100, 99%। वाओ, आपने क्लास में टॉप किया है। वेरी नाइस। अगर इसने क्लास में टॉप किया है, मैंने तो पूरे स्कूल में टॉप किया होगा। ये मम्मा, अब तो पापा मुझे लकी पेन भी दिलाएंगे। हां दुआनी, चल अब जल्दी से अपना स्कॉलर नंबर बता ना। 90123। जीनी, ये क्या? हिंदी में 36, इंग्लिश में 35, एसएसटी में 35, साइंस में 33, मैथ्स में 34, एआई में 34। जीनी, सिर्फ 0.5% से पास हुई हो। कहाँ गया आपका लकी पेन? कैसे ये हुआ है? ये कैसे हो गया? मैं तो सिर्फ 0.5% से पास हुई हूँ। मेरे पास तो लकी पेन भी था, मैंने टॉप कैसे नहीं किया? देखा जीनी, किस्मत से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। सब कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ देते हैं, साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है। आप पहले इसलिए टॉप करते थे कि आप पढ़ते थे और पेन से लिखते थे, तभी पेन आपका साथ देता था कि जो पढ़ा हुआ आपने लिखा है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप पढ़े ही नहीं हो, आपने करा क्या है ये? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ जी शर्मा जी, बोलिए। भाभी जी, मेरी रिया बेटी ने टॉप किया है क्लास में। टॉप क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। आता हूँ अभी थोड़ी देर में मिठाई लेके आपके घर पे, ठीक है? ओके ठीक है भैया, ओके। तुझे पता है इस बार क्लास में रिया ने टॉप किया है, जिसे तू चिढ़ा कर आई थी अपने इस लक्की पेन की वजह से। सॉरी मम्मी, मैं कहाँ टॉपर थी, मैं कहाँ फेलियर बन गई, सिर्फ अपनी इस बेवकूफी की वजह से। मेरे को लकी पेन से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। यस, आप सिर्फ अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इतने पीछे रह गए। जिन्हें इस बार आगे से मैं पूरी पढ़ाई करके जाऊंगी और पूरी मेहनत से एग्जाम लिखूंगी, तब चाहे आप इस पेन से लिखना। मम्मी, अब मुझे कोई लकी पेन नहीं चाहिए, मैं पापा से अच्छी अच्छी पेंसिल्स और इरेजर लूंगी। देखा बच्चों, लकी पेन से कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप बराबर से मेहनत करोगे। मेहनत और किस्मत आपकी दोनों साथ चलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से मेहनत करना, जम के पढ़ाई करना और खूब अच्छे नंबर लेकर आना, जिससे आपके मम्मी पापा को प्राउड फील हो। और कौन कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है जरा कमेंट करके बताना, और किस किस का सिलेबस पूरा कम्प्लीट हो गया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।